हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 9 विद्यापति के पद। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनु वर्मा और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। करते हैं, प्रियतम के दुख के क्या कारण हैं? प्रियतम के दुख के कारण, प्रियतम का प्रियतम कार्यवश प्रदेश गया हुआ है। वह प्रियतम के साथ को ललित है, परंतु उसकी अनुपस्थिति उसे पीड़ा दे रही है। कि जो प्रीतम का प्रियतम है वो प्रदेश गया हुआ है किसी कार्यवश से, जिससे वो उसे मिलने के लिए बहुत आतुर है और वो उसे पीड़ा दे रहा है उसका ना मिलना। सावन मास आरंभ हो गया है, ऐसे में अकेले रहना प्रियतम के लिए संभव नहीं है। वर्षा का आगमन उसे गहन दुख देता है और सावन का शुरू होना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा है। उसे जो वर्षा हो रही है वो भी उसे दुख दे रही है। वह अकेले ही है, ऐसे घर उसे काटने को दौड़ रहा है। वह अपने घर में क्या अकेली है जिससे उसे घर ऐसा लग रहा है जैसे वो काटने को दौड़ रहा है। प्रियतमा उसे परदेश में जाकर भूल गया है, अतः यह स्थिति उसे कष्टदायक लग रही है और उसे लग रहा है कि प्रियतमा जो है वो उसे विदेश जाकर भूल गया है। उसे ये स्थिति भी, जो नायिका है उसे ये स्थिति भी कष्टदायक लग रही है। कवि नयन न तृप्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन न तृप्ति भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है? कवि के अनुसार नायिका अपने प्रियतम के रूप में निहारने रहना चाहती है, कि नायिका अपने जो प्रियतम है उसको निहार देखते रहना चाहती है। वह जितना प्रियतम को देखती है उसे कम ही लगता है, इस प्रकार वह तृप्त बनी रहती है कि वो जिस पर जितना अपने पति को देखती है, प्रियतमा को देखती है, उसे है ना वो उतना ही अनोखा अलग सा लगता जाता है, जिससे वो अतृप्त होती है। कवि नायिका की इसी अतृप्त दशा का वर्णन इस पंक्ति के माध्यम से करता है। वह अपने प्रियतम से इतना प्रेम करती है कि उसकी सूरत और सदैव निहारते रहना चाहती है। वह जो नायिका है वो अपने पति से इतना प्रेम करती है कि वह उसकी जो सूरत है उसको निहारते रहना चाहती है। उसका सुंदर रूप उसे अपने मोह पाश में बांधे हुए है। वह जितना उसे देखती है उतनी ही अधिक इच्छा उसे देखने की होती है, कि उसका जो सूरत है ऐसी है कि वो अपने मोह पास में बांध रखा है जिसने नायिका को, कि वो जितना उसे देखती है ना उसकी सूरत को वो उतना ही उसे देखना चाहती है, वो अपनी निगाह हटा ही नहीं पाती। नायिका के अनुसार वह अपनी स्थिति का वर्णन भी नहीं कर सकती। जो वस्तु स्थिर हो उसका तो वर्णन किया जा सकता है, परंतु उसके प्रियतम का सलोना रूप पल पल बदलता रहता है। वो कहती है कि मैं उसको देखना बंद भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो वस्तु अपना पल पल में ही रूप बदल ले, उसको जितना देखो वो हमेशा उस अलग ही दिखाई दे, तो उसको देखने का मन और करने लगता है, तो इसलिए वो उसे देखना भी बंद नहीं कर सकती और हर बार उसका आकर्षण बढ़ जाता है। बस यही कारण है कि नायिका तृप्त नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायिका के प्राण तृप्त न हो पाने के कारण अपने शब्दों में लिखिए। नायिका अपने प्रेम से अतुलित प्रेम करती है। वह जितना इस प्रेम रूपी सागर में डूबती जाती है उतना अपने प्रेम की दीवानी होती जाती है, कि नायिका जो है अपने प्रेम से बहुत अतुलित प्रेम करती है, बहुत ज्यादा प्रेम करती है, जिससे वो जितना उसको प्रेम करती है वो उतना ही उस सागर में डूबती जाती है कि और प्रेम करने की उसमें इच्छा उत्पन्न होती है। वह अपने प्रियतम के रूप को निहारते रहना चाहती है। वह जितना उसे देखती है उसकी तृप्ति शांत होने के स्थान पर बढ़ती चली जाती है। वह जितना अपने प्रियतम को देखती है ना वह उतनी अशांत होती जाती है, उसे और देखने का उसको प्रियतम को मन करता है। इसका कारण वह प्रेम को मानती है, उसके अनुसार उसका प्रेम जितना पुराना हो रहा है उसे नवीनता का समावेश उतना ही अधिक हो रहा है। दोनों में प्रेम के प्रति प्रथम दिवस जैसा ही आकर्षण है, अतः उसे तृप्ति का अनुभव ही नहीं होता है। उसके अनुसार प्रेम ऐसा भाव है जिसके विषय में वर्णन कर पाना संभव नहीं है, कि नायिका के अनुसार प्रेम ऐसा है जिसका वर्णन कोई कर नहीं सकता, प्रेम का वर्णन करना असंभव है। इस संसार में कोई भी प्रेम को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में समर्थ नहीं है।
कि प्रेम को लोगों ने स्पष्ट तो किया है पर कोई भी स्पष्ट रूप से उसको है ना ढंग से समझा नहीं पाया प्रेम को। नायिका ऐसा कहती है, प्रेम का साथ उससे कुछ समय के लिए सत्यवान तो देता है परंतु तृप्ति का भाव नहीं देता, कि प्रेम जो है वो उसे कुछ समय के लिए संतुष्टि तो देता है पर तृप्ति नहीं देता। इसके प्राण अतृप्त से प्रेम के आसपास ही रहना चाहते हैं, कि जो उसके प्राण हैं वो अपने प्रेम के पास ही रहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह फिरत अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए से लेखक का क्या आशय है। प्रस्तुत पंक्ति प्रेम के विषय में वर्णन करती है। इसके अनुसार प्रेम ऐसा भाव है जिसके विषय में कुछ कहना या व्यक्त करना असंभव नहीं है, कि प्रेम के बारे में कोई भी कुछ भी बताना असंभव नहीं है। प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति इस प्रकार दीवाना हो जाता है कि वह जितना स्वयं को निकालना चाहता है उतना ही डूबा चला जाता है, कि व्यक्ति प्रेम में इतना पागल हो जाता है कि जितना वो अपने आप को प्रेम से बाहर निकालना चाहता है वो उतना ही प्रेम में डूबता चला जाता है। यह पुराना होने पर भी नया के समान लगता है। वह जितना प्रेम जितना पुराना होता जाता है वह उतना ही नए के समान बनता जाता है, क्योंकि प्रेमियों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण तथा प्रेम प्रगाढ़ होता चला जाता है, कि उनके क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि उनका आकर्षण बढ़ता चला जाता है। वो जितना पुराना होता है उनका आकर्षण और बढ़ता चला जाता है। कवि के अनुसार प्रेम कोई स्थिर चीज नहीं है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। स्थिर वस्तु का बखान करना सरल है परंतु यह ऐसा भाव है जो समय के साथ साथ पल पल बदलता जाता है। यही कारण है कि इसका वर्णन करना कठिन हो जाता है और इसमें नवीनता बनी रहती है। कि कभी कहते हैं कि प्रेम का बखान करना आसान नहीं है क्योंकि ये पल पल बदलता रहता है और पल पल बदलने के साथ साथ ये नया ही होता जाता है। जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे नया होता जाता है, इसलिए इसका जो बखान करना है वो आसान नहीं है। इसके बारे में कुछ भी बोल पाना आसान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल और भोरे के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोयल और भोरे के कलरव का नायिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोयल का मधुर स्वर और भोरे का गुंजन नायिका को अपने प्रेम की याद दिलाने लगता है। वह अपने कानों को बंद कर इसके कलरव सुनने से बचना चाहती है परंतु ये आवाज उसे फिर भी सता रही है। कि नायिका को है ना जो कोयल का स्वर है और भोरों का गुंजन है वो एकदम चुभने लगता है, वो उसको अपने प्रियतम की याद दिलाने लगता है, इसलिए वह अपने कान बंद भी कर लेती है तब भी वो उनकी आवाज को सुन पाती है और वो है ना वो होती है परेशान होने लगती है उनकी आवाज से। परदेश गए प्रियतम की याद उसे सताने लगती है। विहगनी उसे वैसे ही बहुत जलाए हुए है, ये कलरव उसे और भी जला रहा है और जो उसकी विरहगनी है मतलब जो उससे दूरी है वो उसे वैसे ही सता रही है और ये जो कोयल का स्वर है और भोरे का गुंजन है ये उसे और सताने लगता है।